नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी हत्या को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी हत्या जिसे सुनकर बड़े से बड़े हत्यारे भी सहम जाएं। एक ऐसी हत्या जिसने पूरी इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुई श्रद्धा मर्डर केस की। जी हाँ, पहले तो उसके प्रेमी ने उसकी हत्या की और उसके बाद लाश के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए और रोज 2 बजे रात को 2 टुकड़े पास के जंगलों में फेंक आता था। लाश से बदबू ना आए इसलिए वो फ्लैट में रोज अगरबत्तियां जलाता था। लाश को ठिकाने लगाने के बाद भी उसने अपना ठिकाना नहीं बदला, वो उसी फ्लैट में बेखौफ रहता था। सब कुछ सामान्य दिखाने के लिए हर दिन काम पर भी जाता था। वो अक्सर फूड डिलीवरी ऐप से खाना मंगवाता था। आरोपी और मृतका दोनों ही महाराष्ट्र के रहने वाले थे। आरोपी आफताब मुंबई का रहने वाला है जबकि श्रद्धा बाकर महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली है। उसके पिता ने दिल्ली थाने में आफताब के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। बेटी का फोन बंद होने की जानकारी मिलने के बाद पिता को श्रद्धा के साथ अनहोनी होने की आशंका हुई। श्रद्धा बाकर हत्याकांड ने सबको हैरान कर दिया है। कत्ल के बाद जुलाई तक आरोपी आफताब आमीन पुनावाला लड़की की लाश के टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने लगा चुका था। इस मामले में पुलिस ने उन दुकानदारों से भी पूछताछ की है जिनके यहाँ से आफताब ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए आरी और उसे 15 दिनों तक लाश छुपाने के लिए फ्रिज खरीदा था। पहले बात करते हैं उस दुकानदार की जहाँ से आफताब ने धारदार आरी खरीदी थी। घरेलू उपकरणों की दुकान के मालिक सुदीप सचदेवा ने बताया कि पुलिस जब आफताब को लेकर दुकान पर पहुंची तो उसके चेहरे पर बिल्कुल शिकन नहीं थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे हत्या करने का कोई दुख या मलाल है। कुछ ऐसा ही दुकानदार तिलकराज का भी कहना है जिसके यहाँ से आफताब ने फ्रिज खरीदा था। दुकान के मालिक ने बताया कि कल पुलिस आफताब को लेकर दुकान पर आई। इस दौरान वो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि लड़की की हत्या करने का उसे रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। उन्होंने बताया कि आफताब ने 25,300 रुपये में 260 लीटर का फ्रिज खरीदा था। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। श्रद्धा आफताब पर शादी करने का दबाव डाल रही थी जिसके चलते आफताब ने इस हत्या को अंजाम दिया।